हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रोग्रामिंग सी पर। जैसा कि हम हमारी सीरीज में सी ट्यूटोरियल देख रहे हैं, जिसमें हम सी के प्रोग्रामिंग देख रहे हैं कि सी लैंग्वेज होती क्या है और किस तरह से हम उसके प्रोग्राम लिखते हैं। तो आज का हमारा ट्यूटोरियल 11 है, जिसमें आज हम सी में आज पहला प्रोग्राम देखेंगे कि हम सी लैंग्वेज में वर्क कैसे करते हैं और प्रोग्रामिंग किस तरह से करते हैं। तो आज हम पहला प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेंगे। तो हम सबसे पहले हमारा प्रोग्राम देख लेते हैं कि हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम किस तरह का होता है। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल लगाते हैं। आप सेकेंड हेडर फाइल को पर ध्यान ना दें, फर्स्ट हेडर फाइल पर ध्यान दें। यहाँ पर लिखा है हैज इंक्लूड stdio.h। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, जब मैंने आपको प्रिंट फंक्शन के बारे में बताया था, कि जो हमारी stdio.h है वो एक हेडर फाइल है जिसमें बहुत सारे फंक्शनों की डेफिनेशन है कि उन्हें वर्क क्या करना है। तो हमने हमारे इस हेडर फाइल के अंदर हमारे प्रिंट की डेफिनेशन है, तो हमने यहाँ हेडर फाइल लगाई है। देन उसके बाद एक मेन फंक्शन लिखा वाइड मेन, देन उसके बाद पेरेंथेसिस है और यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है हमारे फंक्शन की। देन यहाँ प्रिंट एफ फंक्शन लिखा, उसके अंदर हमने हेलो लिखा है। हमें हमारे प्रोग्राम का हमें टारगेट था कि हमें हेलो वर्ड को प्रिंट करना है। तो हमने सिंपल, ये तो हमारा बेसिक सिंटेक्स ही है प्रोग्राम का, मेन फंक्शन देन ये कर्ली ब्रैकेट हेडर फाइल इंक्लूजन। हमें वर्क क्या था हमारा कि हमें केवल और केवल एक प्रिंट एफ स्क्रीन पर प्रिंट करना था, इसलिए हमने एक प्रिंट एफ फंक्शन लिखा और उसके अंदर हमारी सिंपली उसको वर्ड को लिख दिया जो हमें प्रिंट कराना है और हमने उससे रिलेटेड हेडर फाइल को इंक्लूड किया। बस इस तरह से सिंपली एक प्रोग्राम बनाया जा सकता है। अब हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि इसको बनाया किस तरह जाता है। तो यहाँ पर मैंने टर्बो ओपन कर रखा है, जो हमारा सी का सॉफ्टवेयर है। इसे मैं सेव कर लेता हूँ प्रोग्राम को। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो हमारा सी का प्रोग्राम होता है उसे हम डॉट सी एक्सटेंशन से सेव करते हैं। तो firstdotc के नाम से मैं इसे सेव कर रहा हूँ। देन सबसे पहले हेडर फाइल लगाऊंगा मैं, हेज इंक्लूड stdio.h, ये हमारी हेडर फाइल है जिसमें हमारा printf की डेफिनेशन है। देन उसके बाद मैं लिखूंगा मेन फंक्शन और उसके बाद मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर printf और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो, देन सेमीकोलन। मैंने कहा था कि इसके आगे सेमीकोलन भी जरूरी होता है। अब हम इसे कंपाइल कर लेते हैं। तो कंपाइल करने के लिए आप सबसे ऊपर जो मेन्यू बार है उसमें देखेंगे तो कंपाइल का ऑप्शन आ रहा है, इस जगह पर हम यहाँ क्लिक करते हैं। देन कंपाइल पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल कंपाइल हो चुका है। यहाँ अगर कोई एरर होती है तो एरर बता देता है, जैसे यहाँ जीरो एरर, देन वार्निंग भी जीरो है और एरर भी जीरो है। तो हम एंटर करते हैं। देन अब हमें प्रोग्राम को रन करना है, तो उसी के जस्ट पास में लेफ्ट साइड पर आप देखेंगे तो रन का ऑप्शन है। देन यहाँ से हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। लेकिन आपने देखा कि हमारा प्रोग्राम रन तो हुआ लेकिन हमें कोई डिस्प्ले नहीं हुआ, हल्की सी ब्लैक स्क्रीन आई, देन हट गई। ये इस कारण हुआ कि जो हमारा कंप्यूटर है वो बहुत ही फास्ट होता है, ये नैनो सेकंड में अपना वर्क परफॉर्म कर लेता है और इतनी देर में हम उसे देख भी नहीं पाते हैं, इसलिए वो वर्क हुआ देन हट गया। तो इसे हमें वापस से, अगर हमारा आउटपुट हमें देखना है, रोक के रखना है, तो हम Alt F5 जो की हमारे कीबोर्ड की वो प्रेस करेंगे तो हमें हमारा आउटपुट दिखाई। देखिए आप देख पा रहे होंगे हेलो वर्ड जो है वो डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, तो ये हमारा आउटपुट आ चुका है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं प्रिंट एफ का और हेलो वर्ड को स्क्रीन पर प्रिंट कराते हैं। तो और आप जैसे ही इंटर मारेंगे तो आप इससे स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे और आपका कोड व्यू आ चुका है। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जिसमें हमने आज हेलो वर्ड को प्रिंट किया। देन हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम और भी प्रोग्राम बनाएंगे, देन आगे प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज हम करेंगे कि हम प्रोग्राम किस तरह से डेवलप करते हैं नए प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स अभी के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहा है तो इन्हें लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नए वीडियो अपलोड करें उसकी रिसेंटली अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।